राम राम जी सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे की हड्डी कितनी होती है? तो मनुष्य के चेहरे की हड्डी होती है 14। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के सिर में 8 हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ह्यूमरस हड्डी होती है हाथ में ऊपरी हिस्से में। रेडियस और अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है हाथ में कोहनी के नीचे। रेडियस और अल्ना हड्डी हाथ में कोहनी के नीचे स्थित होती है। मानव शरीर में कितनी वक्षीय हड्डी होती है? तो ये होती है 12 जोड़ी। मानव शरीर में 12 जोड़ी वक्षीय हड्डी होती है। आगे चलते हैं, सर्वाइकल रीड हड्डी कितनी होती है? तो ये होती है 7। लंबर रीजन में कितने रीढ़ हड्डी होती है? तो लंबर रीजन में 5 रीढ़ हड्डी होती है। किस हड्डी को कोलर बोन कहा जाता है? तो क्लेविकल हड्डी को कोलर बोन के नाम से जाना जाता है रीढ़ की। किस हड्डी को सोलर ब्लेड कहते हैं? तो स्कैपुला को सोलर ब्लेड कहते हैं। स्कैपुला को सोलर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जोड़ कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो अचल संधि का दूसरा नाम है फाइबर साइनोथ्रोसिस। अल्पचल संधि को और किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको पुकारते हैं एम्फी यार्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं अल्पचल संधि को। स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साइनोवियल ज्वाइंट डायर्थ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ों को। मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि का उदाहरण है प्यूबिक सिम्पोसिस। मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि का उदाहरण है। आगे करते हैं, घुटने की संधि कौन सी संधि कहलाती है? तो ये कहलाती है चल संधि। घुटने की संधि चल संधि कहलाती है। चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो चल संधि होती है 6 प्रकार की। संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? तो संधियों में 4 प्रकार की गति होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में पिवट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं गर्दन में, हाथ में रेडियस और अल्ना। गर्दन, हाथ में रेडियस और अल्ना। कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंडिलाइड ज्वाइंट्स। कार्पल और टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो ये है लिगामेंट्स। संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को लिगामेंट्स कहते हैं। संधि में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे कहते हैं कार्टिलेज। संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो संधि में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और ये जांघ में पाई जाती है। आगे करते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और ये कान में पाई जाती है। अपर लिम की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो अपर लिम की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। टिबिया
और फिबुला हड्डी पैर में पाई जाती है। संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संधि के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो ये होती है 26। कल्केनम हड्डी कहाँ होती है? तो ये होती है एडी वाली हड्डी। स्टर्नम कहाँ होती है? तो स्टर्नम हड्डी वक्स में होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दांतों को उनकी आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों की ऊपरी परत को एनामिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो संधियों द्वारा 4 प्रकार की कोणीय गति होती है। हिंज ज्वाइंट कौन सा है? तो ये है कोहनी का जोड़। दांतों में इनसीजर्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4। दांतों में परमोलर्स दांत कितने होते हैं? तो दांतों में परमोलर्स दांत होते हैं 8, इनकी संख्या होती है 8। परमोलर्स दांतों की संख्या 8 होती है और इनसीजर्स दांतों की संख्या होती है 4। दांतों में मोलर्स कितने होते हैं? तो दांतों में मोलर्स होते हैं 12। जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णीय गति दोनों होती है, तो ये है सर्कमडक्सम। सचर जोड़ किसे कहते हैं? ये है खोपड़ी का जोड़। सचर जोड़ खोपड़ी का जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेग एंड सॉकेट जोड़ किसे कहते हैं? तो ये है दांत के जोड़। अस्थि संस्थान का कार्य है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना अस्थि संस्थान का कार्य है। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 26। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल 26 कशेरुकाएं होती हैं। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है, तो ये है शीर्षधर कशेरुका। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका का नाम है शीर्षधर कशेरुका। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो ये होती है गेंद गड्ढा संधि। कंधे पर गेंद गड्ढा संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अचल संधि। कपाल में अचल संधि पाई जाती है। मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो ये है 206 अस्थियां। अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं, तो अस्थि संधियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 33। बच्चों में मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कब्जेदार जोड़। बाहु में कोहनी के स्थान पर कब्जेदार जोड़ पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।